भाई लोग आज बात करने वाले अपने टाइसन फ्यूरी के बारे में, टाइसन फ्यूरी की रिटर्न होने वाली WWE में क्या, और इसके अलावा बात करेंगे अपने ब्रॉक लेसनर के नए लुक के बारे में, और इसके अलावा बात करेंगे अपने बाइट फैमिली के रियूनियन के बारे में, और गाइस के अलावा बात करेंगे अपनी इस हफ्ते के स्मैकडाउन की रेटिंग के बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते हुई स्मैकडाउन की रेटिंग के बारे में। जैसे कि भाई लोग आपको पता होगा कि इस समय स्मैकडाउन अच्छे से इंप्रूव नहीं कर रहा है, स्मैकडाउन की रेटिंग भी इसी तरीके से डाउनफॉल जा रही है। लेकिन गाइस सबसे अपने रोमांडिंग से स्मैकडाउन में थे, लेकिन तब भी गाइस रेटिंग इंप्रूव नहीं हुई है। और गाइस अगर रेटिंग की बात करें तो पिछले हफ्ते रेटिंग गाई थी गाइस वो 2.142 मिलियन व्यूअरशिप आई थी, और गाइस अगर इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते जो रेटिंग आई गाइस वो 1.805 मिलियन व्यूअरशिप आई है। अगर गाइस घंटे के हिसाब से बात करें तो पहले घंटे की रेटिंग आई है 1.812 मिलियन व्यूअरशिप, और अगर गाइस बात करें दूसरे घंटे की तो वहां पे आई 1.798 मिलियन व्यूअरशिप। तो गाइस आप देख सकते हैं गाइस की रेटिंग धीरे धीरे डाउनफॉल जा रही है स्मैकडाउन की। जैसे मंडे नाइट रॉ का सो अच्छा होने के बावजूद भी 2 मिलियन के अंदर रेटिंग थी, लेकिन गाइस अपना स्मैकडाउन तो 2 मिलियन कंटिन्यू रखता था, लेकिन स्मैकडाउन की भी रेटिंग गाइस धीरे धीरे नीचे आ रही। और भाई लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट खबर के बारे में, जो कि जुड़ी अपने ब्राइट फैमिली के बारे में। गाइज अभी एक रियूनियन देखने को मिला ब्राइट फैमिली का, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि WWE में या फिर AEW में, लेकिन गाइज ऐसा कुछ नहीं है। अपने ब्राइट फैमिली का रियूनियन देखने मिला है किसी एक इवेंट में, जहां पे अपने ब्रॉन स्ट्रोमैन ने एरिक रोबन और ब्रे वाइट के साथ एक फोटो शेयर की है, जो कि अपने सोशल नेटवर्किंग साइट में, जहां पे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। तो गाइज वहां पे आप देख पा रहे हैं कि अपने जो फोटो में कि अपने ब्रे वाइट, एरिक रोबन और ब्रॉन स्ट्रोमैन साथ में दिख रहे हैं। तो गाइज आप सोचिए अगर ये तीनों एक साथ किसी कंपनी में, रेसलिंग कंपनी में आते तो गाइज क्या तबाही मचेगी। अपने ब्रे वाइट, एरिक रोबन और ब्रॉन स्ट्रोमैन की एक दोबारा टीम बन जाए ब्राइट फैमिली, AEW फिर WWE किसी में भी बन जाए गाइज, तो बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा आने वाले समय में। तो गाइज देखते हैं गाइज के आने वाले समय में अपने रियूनियन कर पाते हैं ब्राइट फैमिली या नहीं कर पाते हैं। और गाइज बात करते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के बारे में, जो जुड़ी अपने बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। गाइज अभी ब्रॉक लेसनर स्पॉट किए गए थे एरिजोना के स्टेडियम में, तो गाइज यहाँ पे एरिजोना वालों ने थैंक यू बोला है अपने ब्रॉक लेसनर WWE वालों का। और गाइज देख सकते हैं अपने ब्रॉक लेसनर पुराने वही बीस्ट लुक में, बड़ी बड़ी दाढ़ी बाल के साथ, कोई लुक के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। गाइज एरिजोना यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ब्रॉक लेसनर की लड़की पढ़ती है गाइज, हो सकता है अपने ब्रॉक लेसनर लड़की को सपोर्ट करने के लिए आए हों एरिजोना के स्टेडियम में। अपने ब्रॉक लेसनर पूरे हल्क में रूप में दिख रहे हैं। क्या गाइज अपने ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया बैकलैश में आने वाले या नहीं आने वाले, क्या रेसलमेनिया बैकलैश में आके अपने रोमन रेंस को मैच इंटरफेयर करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर मनी इन द बैंक में आके बीप कर जीत। और गाइज बात करते हैं अपने टाइसन फ्यूरी के बारे में। गाइज टाइसन फ्यूरी ने अपने बॉक्सिंग करियर से रिटायरमेंट ले लिया है, अब टाइसन फ्यूरी बॉक्सिंग करियर नहीं दिखाई देंगे। उन्होंने पोस्ट मैच के इंटरव्यू में बोला है कि अब वो बॉक्सिंग से रिटायर हो रहे हैं और वो अब फिर WWE में टारगेट कर रहे हैं। विंस मैकमहन ने फिर उसके लौंडे से बात करेंगे और बोलेंगे कि आप मुझे WWE में बुलाओ और मैं आके रेसल करूं, मैं समर स्लैम में भी आने वाला हूं, या फिर मैं यूनाइटेड किंगडम के शो में आ जाऊं। तो गाइज विंस मैकमहन अगर टाइसन फ्यूरी को बुलाते हैं तो टाइसन फ्यूरी को किसी मेन स्टोरी लाइन में ही डालेंगे, क्योंकि गाइज टाइसन फ्यूरी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, गाइज उनके आने से गाइज काफी ज्यादा ऑडियंस भी इंगेज होगी WWE के साथ। तो गाइज देखते हैं गाइज टाइसन फ्यूरी को किस तरीके से अपने विंस मैकमहन बुक करते हैं, क्या उनको स्टोरी लाइन देते हैं, क्या टाइसन फ्यूरी मेन इवेंट पिक्चर में आएंगे फिर अपने मिड कार्डर रहेंगे। तो गाइज आने वाले समय बहुत ही इंटरेस्टेड होगा अपने टाइसन फ्यूरी को लेकर के WWE।